का भाव आएगा। इसीलिए मोदी जी भारत की राजनीति के शायद ऐसे एकमात्र नेता होंगे जिनके प्रति इतने अभद्र, अशिष्ट और हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसे मोदी से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं कि आप बताइए 9 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं। तो इसलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और उस कारण से जो ये भाव इनका है उसी की अभिव्यक्ति सदन के जी मैं संजय निरुपम का रुख करता हूं। लेकिन जो बात बेटा और दामाद को लेकर बोली उस विषय पर मैंने सवाल पूछा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आगे आप दीजिएगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है गौरव गोगोई तो जी मैं संजय की बात करता हूँ फिर सुधांशु आपको बता देता हूँ। संजय जी 30 सेकंड में देखिए वो मैं हाँ बस एक लाइन देखिए उस विषय के ऊपर बहुत कुछ कहने की जरूरत है पूरे देश को एक बार सुधांशु भाई सोनिया जी के मन में जो भाव होगा अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए 2018 में कांग्रेस का उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस सबसे बुरे दौर में आ गई तो फिर वो 19 के बाद ये स्थिति बनी कि उन्होंने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया उसके बाद भी वो सबसे आगे रहते हैं तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि पुत्र मोह में बड़े से बड़े लोग। एक याद दिला देना चाहता हूं एक बार इन्होंने महाभारत का उल्लेख किया।